धर्म परिवर्तन के आरोप में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार की शाम सेंट थॉमस चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने चर्च में तोड़फोड़ मचाई और फिर ताला जड़ दिया। आरोप है कि चर्च के पादरी ने 20,000 रुपए का लालच देकर एक युवक को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में चर्च के पादरी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पूरे मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर आरोपियों को पहचानने की कोशिश में है। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 और 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले पर उचित कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन वहीं हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ को आदर्श मानते हैं और उनका टारगेट है कि अगले 15 दिनों में 1,35,000 हिंदुओं की घर वापसी करवाना। यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ लोग अवांछनीय लोग चर्च की ओर अग्रसर हो रहे हैं और चर्च का ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये गतिविधियां हम लोगों को संदर्भ में हमारे संदर्भ में आती हैं पुलिस प्रशासन के संदर्भ में, तत्काल हम लोग फौरी स्तर पर वहाँ पहुँच करके सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। प्रथम दृष्टया वहाँ पर 5 से 10 लोगों की भीड़ थी जो कि एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और भारत माता की जय घोष का नारा लगा रहे थे, और इनकी कुछ शिकायतें थी जो आसपास के लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें ये कर रहे हैं कि इस चर्च के द्वारा धर्मांतरण की बात कही जा रही थी। क्योंकि ऐसे प्रश्न की अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए एक संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, पुलिस है, प्रशासन है। आपको अपनी शिकायत अगर कोई है तो इन संस्थाओं का सहारा लेना चाहिए और ये जाँच की विषय वस्तु होती हैं। आप सीधे किसी को आप टारगेट करके आप किसी के निषेधात्मक क्षेत्र में आप प्रवेश करके ताला तोड़ करके आप प्रवेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हम लोगों द्वारा की जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद हमने जो चर्च के पादरी थे उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क के उपरांत में उनसे जो उन्होंने तहरीर जो दी उसके आधार पर हम लोगों ने थाना दशा समिति के अंतर्गत मुकदमा अभियोग पंजीकृत करके चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो हमको सीसीटीवी फुटेज जो फुटेज मीडिया बंधुओं के माध्यम से उसमें प्राप्त हो रही है उसके संदर्भ को दृष्टिगत करते हुए उन लोगों को चिन्हीकरण करके एक टीम बना करके इसमें प्रभावी कार्रवाई हमको द्वारा की जाएगी ताकि ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो सके। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।